हेलो दोस्तों, मैं हूं देवांश। एक नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल कैसे पकड़े। इसका मतलब कि मार्केट जब एकदम से बढ़ते जा रही हो, बढ़ते जा रही हो, बढ़ते जा रही हो, तो वो पॉइंट कैसे पकड़े जहाँ से मार्केट रिवर्स करे। मार्केट गिरते जा रही है, तो नीचे से जब रिवर्स करे तो उस रिवर्सल को कैसे पकड़े। बिकॉज जब आप ट्रेंड रिवर्सल पकड़ोगे तभी मार्केट में आप बड़े पैसे बना सकते हो। तो इस वीडियो में मैं आपको दो तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि आप ट्रेंड रिवर्सल कैसे पकड़ सकते हो, एक प्राइस एक्शन वाइज, एक इंडिकेटर वाइज। सो आज की वीडियो काफ़ी कमाल की होगी, तो मेरा नाम गवाया आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया, ट्रेंड रिवर्सल पकड़ने के यहाँ पे दो तरीके हैं, एक प्राइस एक्शन वाइज, एक इंडिकेटर वाइज। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइस एक्शन वाइज। तो प्राइस एक्शन में भी मैं आपको यहाँ पे दो तरीके से बताने वाला हूँ, एक थ्रू डब्ल्यू एंड एम पैटर्न और एक प्रीवियस लो प्रीवियस हाई। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम डब्ल्यू एंड एम पैटर्न के बारे में। डब्ल्यू और एम पैटर्न कैसा होता है? सिंपल, जैसे आप डब्ल्यू बनाते हो इस तरीके से डब्ल्यू होता है। एम पैटर्न कैसे होता है? जैसे आप एम बनाते हो इस तरीके से एम पैटर्न होता है। अब एग्जैक्टली ये चीज़ें मार्केट में किस तरीके से वर्क करती हैं, ठीक है। डब्ल्यू में क्या होता है कि मार्केट ऐसे गिरते गिरते आती है, ठीक है, और जहाँ पे सपोर्ट एक बार बनाती है, पहला सपोर्ट जहाँ क्रिएट होता है, और फिर उसके बाद से मार्केट दूसरी बार यहीं पे आके ब्रेकआउट करती है। तो ये जब ब्रेकआउट करती है तो उसके बाद से मार्केट ऊपर का काफ़ी अच्छा मूव देती है, ठीक है। ढूंढते हैं एग्जैक्टली ऐसा पैटर्न हमें मार्केट में कहाँ देखने को मिला है, ठीक है। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, यहाँ पे कहीं डब्ल्यू क्या बनता हुआ दिख रहा है, काइंड ऑफ ये थोड़ा सा डब्ल्यू बनते हुए यहाँ पे ध्यान से अगर आप देखोगे, मार्केट गिरते गिरते आई है, ठीक है। यहाँ पे एक पहला बेस बनाई है, फिर एक बार ऊपर गई, फिर दोबारा यहाँ पे एक बेस बना के ये इसका नेकलाइन बना। अब इस नेकलाइन का यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं आया, मार्केट एक बार नीचे है और जब ब्रेकआउट दी तो बहुत अच्छा मूव दी, थोड़ा सा ये दूसरा प्राइस एक्शन बन गया, बट डब्ल्यू यहाँ पे बनने की कोशिश हो रही थी, ठीक है। तो इसी तरीके से डब्ल्यू पैटर्न बनता है। अभी हम और परफेक्ट एग्जांपल ढूंढेंगे, ठीक है। डब्ल्यू और ढूंढते हैं कहीं कहीं क्या हमें डब्ल्यू दिख रहा है। एक यहाँ पे काइंड ऑफ उतना परफेक्ट नहीं है, चलो इसे भी हम कंसीडर नहीं करेंगे, और थोड़ा सा नीचे आते हैं। यहाँ पे एक देखो डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, मार्केट यहाँ पे पूरी गिरते गिरते आई है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये एक बार नीचे आई और फिर इस तरीके से यहाँ डब्ल्यू बना के ऊपर का मूव मिला है, ठीक है। और भी हम परफेक्ट डब्ल्यू ढूंढते हैं, बिकॉज डब्ल्यू और एम रिवर्सल पैटर्न्स होते हैं, तो ये जहाँ बनते हैं वहाँ पे एक बहुत अच्छा मूव आता है, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में डब्ल्यू ढूंढें तो हमें 15 मिनट के टाइम फ्रेम में बहुत क्लियर डब्ल्यू मिलते हैं, बिकॉज डब्ल्यू जो है एक बहुत बड़ा ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न होता है। तो यहाँ पे जब भी मार्केट ट्रेंड रिवर्सल करती है तो डब्ल्यू बना के करती है। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से जो है ट्रेंड रिवर्सल हुआ है, एकदम क्लियर डब्ल्यू बना के यहाँ पे, और बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट मिलने के बाद बहुत एक बड़ी रैली आई है, ठीक है। तो अगर आप इसे बड़े टाइम फ्रेम में देखते हो तो बहुत एक बड़ा ट्रेंड रिवर्सल आप इस तरीके से कैप्चर कर सकते हो। अब ये तो हो गया आपको डब्ल्यू, नीचे से जब रिवर्सल जाए तो डब्ल्यू, और ऊपर से अगर मार्केट को गिरना हो तो एम पैटर्न। अब अगर आप एम पैटर्न 5 मिनट टाइम फ्रेम में देखते हो ना तो बहुत स्मूथली काम करता है और बहुत मजा आता है ट्रेड करने में। एग्जैक्टली देखें यहां पे, तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में यहां पे एम पैटर्न बना था, देखो मार्केट चढ़े जा रही थी, फिर यहां पे देखो मार्केट ने काइंड ऑफ एम पैटर्न बनाया है, यहां पे एम बना, और जैसे ही एम का इसका ब्रेकडाउन आया आपको नीचे की प्लानिंग करनी हो, देखो बहुत ही शानदार एक सेलिंग देखने के लिए मिली है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो है वो एम पैटर्न भी होता है, जहां पे एम बने बहुत एक अच्छा सा रिवर्सल, यहां पे भी ब्रेकडाउन हुआ, बहुत अच्छी सेलिंग देखने के लिए मिली। ऐसे ही आप हर जगह ढूंढ सकते हो, देखो यहां पे भी क्लियर जो है एम पैटर्न दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे जैसे ब्रेकडाउन हुआ अच्छी सेलिंग देखने के लिए, इस जोन के नीचे सेलिंग देखने के लिए मिलती है, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ गया डब्ल्यू और एम पैटर्न। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ अपनी इनिशियल जर्नी शेयर करना चाहूँगा, जब मैं ट्रेंड रिवर्सल नहीं कैप्चर आउट कर पाता था और आप लोगों की तरफ पास्ट ट्रेड्स में मैं काफ़ी सारी गलतियाँ करता जो मैंने बैठ के एनालाइज किया। एक बार मेरे साथ क्या हुआ था, ट्रेंड रिवर्सल पकड़ने के चक्कर में मैंने एक पर्टिकुलर स्टॉक था, उसको जब वो गिरा डिप पे मैंने खरीद लिया, एक पर्टिकुलर लेवल पे मैंने उसको बाई कर लिया था, फिर जहां मैंने पैसे डाले थे फिर वो वहां से और टूट गया, वहां पे भी टूटा, मैंने फिर एवरेज आउट किया। ये जो जर्नी है ना, वो जो बिगनर होते हैं वो सबके साथ में होती है। उस एवरेजिंग चक्कर करने के चक्कर में मैंने हर जगह पे एवरेज किया, और मुझे एग्जैक्टली पता नहीं था ना कि ट्रेंड रिवर्सल कैसे पकड़ते हैं, डब्ल्यू एम पैटर्न, 5 EMA, बॉलिंग एलिमेंट, सारी चीज़ें मेरे को नहीं पता थी। तो फिर उसको मैं कैप्चर आउट करते गया और फिर वो स्टॉक बहुत कम घूमा और वहां पे एक मेरा बहुत बड़ा लॉस हुआ था, ठीक है। बट ये सारी चीज़ें मैंने एनालाइज की थ्रू सैमको। सैमको जो है आपको आपकी पास्ट ट्रेड हिस्ट्री बताता है, जो कि आपकी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग लाइफ में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है, बिकॉज ये आपको जो पुराने ट्रेड्स आपने किए, क्या गलतियाँ की, पूरे के पूरे जो ट्रेड रिकॉर्ड्स हैं वो सारी चीज़ें आपको बताएगा। साथ ही साथ जैसे मैंने आपको बताया कि माई ट्रेड स्टोरी के साथ में आप अपना अनदेखा सच भी देख सकते हैं, क्योंकि इनके पास बहुत सारे मैट्रिक्स हैं, लाइक सैमको सक्सेस प्रोबेबिलिटी, स्ट्राइक रेट मैट्रिक, एवरेज प्रॉफिट लॉस, एवरेज होल्डिंग पीरियड मैट्रिक एंड PNL एनालिटिक्स। ये सारे जो फीचर्स हैं वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। यार मतलब एक इतना कमाल का फीचर है कि एक ऐप के थ्रू आप अपनी पूरी ट्रेड की हिस्ट्री एंड सारी चीज़ें कम्प्लीटली डिटेल में देख सकते हैं। बहुत ही एक कमाल का ऐप है अगर आप ट्रेडर हैं, एक इन्वेस्टर है, तो बिकॉज
आपको पता तो है मैंने लॉस किया था, पता तो है गलतियाँ की थी, बट कब गलतियाँ की, कब कहाँ गलतियाँ की, क्यों गलतियाँ की, ये अगर आपको एक ऐप में मिल जाएगा तो एक बहुत ही कमाल और बहुत ही तगड़ा फीचर हो जाएगा। तो आप भी अपने ट्रेड्स का अनदेखा सच जानो विद सैमको बाय फॉलोइंग दीज फ्यू स्टेप्स। डाउनलोड द सैमको ट्रेडिंग ऐप ऑन स्मार्टफोन एंड लॉग इन टू योर अकाउंट। टैप द पोर्टफोलियो आइकन प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ योर ऐप इंटरफेस। देन टैप ऑन माई ट्रेड स्टोरी टैप ऑन द टॉप ऑफ ऐप इंटरफेस। Tap the View Analytics tab to view all your valuable insight generated from your historical trade data. Description में लिंक है, जरूर एक बार चेकआउट करिएगा सैमको ऐप को। दूसरी चीज क्या होती है प्राइस एक्शन वाइज कि आप जो है मार्केट जब बढ़ती है तो प्रीवियस लो बनाते चलती है, ठीक है, और मार्केट जब गिरती है तो प्रीवियस हाई बनाते हुए गिरती है। फॉर एग्जाम्पल आप देखते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ मार्केट बढ़ रही है, ठीक है, इस किसी भी कंडीशन में जैसे मान लो यहाँ मार्केट बढ़ रही है, ठीक है, मार्केट कहाँ से बढ़ना स्टार्ट हुई, मार्केट यहाँ से बढ़ना स्टार्ट हुई, इस पर्टिकुलर जोन से जो है मार्केट बढ़ना स्टार्ट हुई, तो अब जो है आपको प्रीवियस जो भी लो बन रहा हो प्रीवियस लो हमेशा मार्क करते जाना है, ठीक है। जब प्रीवियस लो टूटे, यहाँ पे प्रीवियस लो ये बना, यहाँ पे प्रीवियस लो ये बना, यहाँ पे प्रीवियस लो ये बना, और जब ये प्रीवियस लो टूटे मतलब कि जब मार्केट इसे तोड़े इस वाले लो को, तब मार्केट में सेलिंग जो है आती है। रीजन इसके पीछे क्या है कि हर जगह पे सेलर्स का स्टॉप लॉस से शिफ्ट हो जाता है। जब यहाँ पे जिसने बाइंग पोजीशन ली उसका स्टॉप लॉस यहाँ बना, फिर जब ये प्रीवियस लो बना तो स्टॉप लॉस ये बना, फिर जब ये प्रीवियस लो बना तो स्टॉप लॉस ये बना, और जब ये जोन टूटेगा तो यहाँ पे मार्केट में सेलिंग देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पे तो मार्केट टूटा नहीं, तो मार्केट ऊपर बढ़ते जा रही है। हम कहीं परफेक्ट एक एग्जांपल इसका ढूंढते हैं कि जहाँ पे लो टूटे और सेलिंग मिली हो, ठीक है, आ जाते हैं, ठीक है, जहाँ पे कहीं सेलिंग हो, ओके हाँ, ये देखो ये एरिया क्लियर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट बनाया, ठीक है, आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, आपका स्टॉप लॉस ये बना, फिर इसके बाद से मार्केट बढ़ी, यहाँ पे पुल बैक ली, जहाँ रिट्रेसमेंट करे वो आपका प्रीवियस लो बन जाता है। अब ये आपका प्रीवियस लो ये बन गया, ठीक, फिर यहाँ से मार्केट बढ़ी, फिर प्रीवियस लो ये बन गया। अब देखिए यहाँ पे मार्केट प्रीवियस लो के आसपास आई, ठीक है, कैंडल सस्टेन नहीं की, फिर मार्केट एक बार ऊपर गई, फिर जब दोबारा से तोड़ी, फिर एक बार यहाँ पे सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिला, और अगले दिन मार्केट गैप डाउन खोल के और नीचे तक का सेलिंग प्रेशर आया, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम और ढूंढें, ठीक है, तो सेम ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पे देखो मार्केट तो खैर डायरेक्शनल थी, तो ये जो है प्रीवियस लो वाला फॉर्मूला बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरीके से प्रीवियस हाई वाला भी फॉर्मूला बहुत अच्छा काम करता है कि मार्केट जब ऊपर से गिरते गिरते आ रही हो और मार्केट का प्रीवियस हाई आपको मार्क करना है, और जब भी प्रीवियस हाई टूटे तो आपको ट्रेड लेना है। फॉर एग्जाम्पल किस तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ, मार्केट ये है, यहाँ से गिरना स्टार्ट हुई, मार्केट गिरी, मार्केट फिर पुल बैक ली, फिर गिरी, फिर पुल बैक ली, फिर गिरी, फिर पुल बैक ली, तो ये जितने भी पुल बैक लेती है ना ये प्रीवियस हाई बन जाते हैं, और जहाँ पे ये प्रीवियस हाई टूटे वहाँ पे सेलर्स के स्टॉप लॉस जाएंगे और फिर वहाँ से मार्केट प्राइस एक्शन बना के ऊपर का एक मोमेंटम देगा। ऐसे चार्ट्स में एग्जांपल ढूंढेंगे तो बहुत सारे आपको जो है इस पर्टिकुलर चार्ट्स में एग्जांपल देखने के लिए मिल जाएंगे। आप इसको एक बार ट्राई आउट करना, फिर मेरे को एक बार कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। तो इस तरीके से जो है आप प्राइस एक्शन वाइज ट्रेंड रिवर्सल पकड़ सकते हो। अब दोस्तों हम बात करते हैं आप इंडिकेटर वाइज ट्रेंड रिवर्सल कैसे पकड़ सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको दो इंडिकेटर्स बताने वाला हूँ। पहला इंडिकेटर है 5 EMA, ठीक है, ये आपको कुछ नहीं करना, चार्ट्स में जाना है, लिखना है मूविंग एवरेज, ठीक है, मूविंग एवरेज आएगा, सिंपली मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आपको ये लगा लेना है, ठीक है, ये आप चार्ट में लगा लोगे, ओके, और यहाँ पे आना है सेटिंग्स में, सेटिंग में टैप करना, ठीक है, और यहाँ पे इसकी लेंथ पूछेगा, लेंथ को आपको क्या कर देना है, आपको लेंथ को 5 कर देना है, ठीक है, यहाँ पे भी आपको EMA सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे भी आपको 5 कर देना है, हर जगह आपने 5 कर दिया, ये आपका देखो चार्ट पे 5 EMA प्लॉट हो जाएगा। ऑलरेडी देखो देखो मैंने करके रखा है, इसी सेटिंग के साथ आपको प्लॉट कर लेना है। एग्जैक्टली 5 EMA का लॉजिक क्या है, किस तरीके से काम करती है, तो देखो मैं आपको दो चीज़ बताता हूँ। 5 EMA एक्सपायरी के दिनों में बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है, उस सिचुएशन में जब मार्केट गैप अप खुली हो, ठीक है, क्या एग्जांपल चाहिए क्या, मैं देखो 5 EMA हर जगह काम करता है, बट मेरे सिनेरियो में मैंने कहाँ देखा है सबसे परफेक्ट काम करता है, जिस दिन मार्केट पिछले दिन बढ़ी हो, ठीक है, और एक्सपायरी के दिन मार्केट गैप अप खुले और ऊपर 5 EMA बने तो बहुत प्यारी सेलिंग आती है। ये मैंने इस ट्रेड पर ये ट्रेड कर करके बहुत पैसे बनाए हैं, ठीक है, थीके? तो फॉर एग्जांपल चलो इसका हम एग्जांपल ढूंढ लेते हैं कि कहाँ पे ऐसा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट क्या खुली थी, ये थर्सडे का दिन है, वेनेसडे के दिन, यस देखो यहाँ पे मार्केट गैप अप खुली, ठीक है, पिछले दिन बढ़ी थी, अगले दिन ये एक्सपायरी का दिन था, वेनेसडे को बैंक निफ्टी की एक्सपायरी रहती है, तो मार्केट 47,000 बंद हुई, मार्केट खुली कहाँ, 47,300। अब 5 EMA में होता है क्या कि जो कैंडल मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाए, मूविंग एवरेज के ऊपर कैंडल कहाँ है, यहाँ पे, ठीक है, जो कैंडल ऊपर आ जाए आपका ट्रेड एक्टिव हो गया। अब इसके बाद से जब ये प्रीवियस कैंडल का लो टूटे, जब भी जो कैंडल लो तोड़े वहाँ पे आपका सेलिंग ट्रेड एक्टिवेट हो जाएगा इस स्टॉप लॉस के साथ में,
ठीक है, यहाँ पे कैंडल ने तोड़ा, आपका ट्रेड बनकर देखो बहुत ही एक बड़ा टारगेट देखने के लिए मिला, प्रीमियम डबल ट्रिपल सब हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसी तरीके से कोई और ट्रेड ढूंढ देते हैं, बाकी दिन भी हर दिन देखो काम करता है, लेकिन इस सिनेरियो में सबसे परफेक्ट काम करता है 5 AM में। यहाँ पे भी देखो प्राइस कहाँ मूविंग एवरेज के ऊपर निकला, यहाँ पे ये कैंडल देखो मूविंग एवरेज के ऊपर निकली, और जैसे इस कैंडल ने इसका लो तोड़ा कितनी शानदार सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिला। इसी तरीके से और अगर ढूंढे यहाँ पे बना, यहाँ पे कैंडल ने लो तोड़ा, ठीक है, प्राइस एक बार नीचे बहुत अच्छा टारगेट दी, फिर एक बार ऊपर गई, फिर उसके वजह से जब बनी कितना शानदार नीचे का टारगेट देखने को मिला। ठीक है, तो 5 AM में आपको कब प्ले करना है, जिस एक्सपायरी के दिनों में जब मार्केट गैप अप खुले तो वहाँ पे बहुत एक अच्छा काम करता है। आप ये जो सेटअप्स होते हैं उनको जो मैंने डेट्स बताए उस पर ट्राई आउट करोगे तो पैसे बनने के ना मैक्सिमम पॉसिबिलिटी रहेगी। ठीक है, तो एक जो है आप 5 AM की मदद से भी बहुत अच्छे पैसे बना सकते हो। तो जहाँ पे भी देखो 5 AM में बनता है सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है, बट एक्सपायरी वाले दिनों में जब गैप अप खुल के आती है नीचे मार्केट तो बहुत स्पीड में आती है। ठीक है, और दूसरा इंडिकेटर सेटिंग्स तो मैंने आपको बता दिया, और किस तरीके से यूज़ करना है, जब भी इस मूविंग एवरेज के बाहर कैंडल निकले और फिर जब अगली कैंडल के नीचे क्लोज करे तो आपको वहाँ पे सेलिंग करनी है। ये हो गया क्लियर 5 AM का कॉन्सेप्ट। दूसरा क्या है, इसी तरीके से एक इंडिकेटर है बॉलिंगर बैंड। सिंपली आपको क्या करना है, इंडिकेटर्स में जाना है अपने, ओके इंडिकेटर्स में यहाँ से जाओगे, एक बार मैं आपको लगा के भी बता देता हूँ, मैंने तो ऑलरेडी लगा रखा है। यहाँ पे देखोगे बॉलिंगर बैंड ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, बॉलिंगर बैंड आपको यहाँ पे सेटिंग क्या करनी है, बॉलिंगर बैंड में आओ, इसका जो स्टैंडर्ड डिवीजन है इसको आपको 2 से जो है 1.5 कर देना है, MULT लिखा हुआ है ना, इसी को आपको 1.5 कर देना है। आपने 1.5 कर दिया, बस ये सेटिंग करनी है, बाकी सब सेटिंग बाय डिफॉल्ट रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, सेम 5 AM की तरह ही यहाँ पे भी प्राइस जब बॉलिंगर बैंड से ऊपर जाए या नीचे आए तो वहाँ पे आपको ट्रेड्स लेने, जब भी प्राइस बॉलिंगर बैंड के ऊपर निकल जाए। ठीक है, सब तोड़ ताड़ के जब प्राइस बॉलिंगर बैंड के ऊपर निकले, जो कैंडल ऊपर निकले वो आपके अलर्ट कैंडल है, ये कैंडल ऊपर निकली ये आपके अलर्ट कैंडल है, अब अगली कैंडल जब इसके नीचे क्लोज करे तो आपको सेलिंग ट्रेड लेना है। ठीक है, सेम सेलिंग में भी इसी तरीके से, बाइंग में भी इसी तरीके से, सेलिंग 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ पे करना है। ठीक है, 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे सेलिंग ट्रेड्स ढूंढने, यहाँ पे निकला ऊपर जब कैंडल नीचे एक्टिव और कितना शानदार ट्रेड मिला, और अगर आपको यहाँ पे बाइंग करना है तो बॉलिंगर बैंड में 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बाइंग करना है, मतलब सेलिंग ट्रेड लेना है तो 5 मिनट पे, लेकिन जब बाइंग ट्रेड लेना है तो देखो यहाँ पे ये कैंडल बॉलिंगर बैंड के बाहर आई, अब जब इसके ऊपर निकलेगी तो आपका ट्रेड एक्टिव होगा, देखो कितनी शानदार रैली देखने के लिए मिली है। ठीक है, बाइंग के लिए थोड़ा मोमेंटम चाहिए होता है, इसीलिए आपको मैं सजेस्ट करता हूँ 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखने के लिए, जब भी 15 मिनट बने तो बाइंग ट्रेड्स करने हैं, वरना फिर आपको नहीं करना है। सेलिंग आप 5 मिनट भी कर सकते हो। यहाँ पे भी देखो बाइंग ट्रेड एक 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बना इस जगह पे, जब भी कैंडल ने इसके ऊपर क्लोज हुआ बहुत एक शानदार और बहुत एक बड़ी रैली मार्केट में देखने के लिए मिली। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से जो है आपको यूज़ करना है बॉलिंगर बैंड और 5 AM। ठीक है, मैंने आपको देखो ट्रेंड रिवर्सल कैप्चर करने का तरीका बता दिया, प्राइस एक्शन वाइज कैसे करेंगे, इंडिकेटर्स वाइज कैसे करेंगे। ठीक है, ये मेरा पास्ट एक्सपीरियंस था, मेरे लिए सबसे बेस्ट देखो 5 AM एक्सपायरी के दिन में जब बनता है वो बहुत अच्छा काम करता है, बॉलिंगर बैंड जब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बाइंग बनाता है तो वहाँ पे बहुत अच्छा काम करता है, और प्राइस एक्शन वाइज WM पैटर्न तो ये तो होते ही हैं, और जो प्रीवियस लो प्रीवियस हाई होता है। देखो जानो आप सारी चीज़ें, देखो सारी चीज़ें, बट पैसा उस काम उसी पे करो जो आपको एक्चुअल पैसे बना के देती है। चार चीज़ें मैंने आपको बताया ना, चारों दिमाग में नोट कर लो, लेकिन आपके लिए जो सबसे परफेक्ट वर्क करे उस पे आप काम करना। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर आज की वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एंड मैं देवांश आपको मिलता हूँ ऐसे किसी वैल्यूएबल कॉन्टेंट में, तब तक के लिए दिस इज देवांश राय साइनिंग ऑफ। सैनको ट्रेडिंग ऐप, आप ही के ट्रेडिंग का अनदेखा सच। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.